राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म ऐसे समय में हुआ जब देश में अंधविश्वासों और कुरीतियों का बोलबाला था। वर्ष था 1825 और तारीख 12 फरवरी। गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में एक ब्राह्मण अंबाशंकर के घर पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र का नाम रखा गया मूलशंकर। यही बालक बड़ा होकर स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुआ। बालपन से ही मूलशंकर की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। सुनो, अपने मूलशंकर की बुद्धि बड़ी तेज है। श्लोक और मंत्र तो उसे एक बार पढ़ते ही याद हो जाता है। हाँ, सभी कहते हैं कि मूलशंकर बहुत होनहार बालक है। मैं चाहता हूँ कि अब की बार शिवरात्रि पर मूलशंकर भी हमारी तरह व्रत रखे। मूलशंकर तो बहुत आज्ञाकारी है, व्रत रखने से वो इनकार नहीं करेगा। मगर अभी तो केवल 10 वर्ष का ही है बेचारा, बहुत कष्ट होगा उसे। ठीक है, अब नहीं तो कुछ समय बाद सही, लेकिन हमारे रीति रिवाजों के अनुसार उसे व्रत तो रखना ही पड़ेगा। बात 1839 की है। मूलशंकर लगभग 14 वर्ष का हो गया। शिवरात्रि का त्योहार आया तो माता पिता की इच्छा अनुसार उसने निर्जल व्रत रखा। मूलशंकर के मन में बाल सुलभ उत्साह था। घर में व्रत का भोजन तैयार हो रहा था, पूजा पाठ की तैयारियां हो रही थीं। अजी, मैंने कहा लोग तो मंदिर में पहुंचने शुरू हो गए हैं। हाँ, जा रहा हूँ। अरे मूलशंकर आया पिताजी। आए, सारी रात जागरण भी तो करना है। जी। आओ मेरे साथ मंदिर चलो, वहाँ भजन कीर्तन होगा तो रात भी आराम से बीत जाएगी। चलिए पिताजी। बेटे मूलशंकर जी, देखो सब आराम कर रहे हैं, तुम भी थोड़ी देर के लिए लेट जाओ। नहीं पिताजी, आप ही ने तो कहा था कि शिवरात्रि के व्रत में ना तो खाना पीना होता है और ना ही सोना। सो तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो सारे शिव भक्त सोना शुरू हो गए हैं। अरे सो नहीं रहे, आराम कर रहे हैं, इसीलिए कहता हूँ कि तुम भी थोड़ा आराम कर लो। मैं तो लेट रहा हूँ। मगर पिताजी, आपने कहा था कि सोने वालों पर भगवान शिव नाराज होंगे, मैं जागता रहूंगा तो भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न होंगे ना? हो बेटे, कहते तो तुम ठीक हो। अरे इतने चूहे शिवलिंग पर क्यों कूद रहे हैं? जरा देखूं तो। ये सारे चूहे भक्तों के चढ़ाए फल फूल और मिठाई खा रहे हैं। अरे इन चूहों को तो भगवान शिव का भी डर नहीं, ये भगवान शिव की मूर्ति पर कैसे कूद रहे हैं? जिस महादेव जी की कथा पिताजी ने मुझे सुनाई थी, क्या ये वही है? पिताजी ने कहा था कि ये सारे संसार की रक्षा करते हैं, मगर ये इन तुच्छ चूहों से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ये सच्चे शिव नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। हाँ,
इस घटना ने मूल शंकर के विश्वास को हिला दिया। वो सोचने लगे कि वास्तविक शिव कोई दूसरा है। तभी उन्होंने दूसरे शिव की खोज करने का निश्चय कर लिया। एक दिन किसी से कुछ बताए बगैर वो घर छोड़कर चुपचाप चल दिए। मन में एक ही भावना थी, सच्चे शिव की खोज की, उनके दर्शन की। आखिर एक दिन स्वामी पूर्णानंद सरस्वती ने मूल शंकर को पूर्ण संन्यास की दीक्षा दी, साथ ही उनका नया नामकरण किया दयानंद सरस्वती। लगभग 35 वर्ष की आयु में स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाकर दयानंद ने उनसे सब शास्त्र पढ़े। जब विदा का समय आया तो गुरु ने दयानंद को आदेश दिया कि दयानंद, तुम्हारी शिक्षा आज पूर्ण हुई। जी गुरुदेव, सांसारिक चीजें तो मैं पहले ही त्याग चुका हूँ। गुरु दक्षिणा के लिए अब केवल मैं अपने आप को ही आपके चरणों में समर्पित करने के लिए बचा हूँ। ठीक है, तब मैं तुम्हें ही गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करता हूँ। अब तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। तो जाओ, देश में फैले पाखंड और अशिक्षा के अंधकार को दूर करो। इस समय देश में अज्ञान का अंधेरा फैला हुआ है, कुरीतियां फैली हैं, इन्हें हटाओ। प्यारे दयानंद, मुझे यही गुरु दक्षिणा चाहिए। ऐसा ही होगा गुरुदेव। बस फिर क्या था, गुरु का आदेश मान दयानंद कल्याण यात्रा पर निकल पड़े। मूर्ति पूजा, तंत्र विद्या, चोरी, छल कपट आदि को दूर करने के लिए दयानंद ने चारों ओर वैदिक धर्म का प्रकाश फैला दिया। इसी उद्देश्य से 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने पाखंड, कुप्रथाओं, गौवध और बाल विवाह का विरोध किया। जगह जगह गुरुकुल खुलवाकर शिक्षा के द्वार खोले। इतना ही नहीं, सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में दयानंद ने सक्रिय योगदान भी दिया। उन्होंने हमेशा राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल दिया। देश की खुशहाली के लिए वो स्वदेशी राज का पक्ष लेते रहे। इसी सिलसिले में एक बार किसी अंग्रेज अधिकारी को स्वामी दयानंद ने बातों ही बातों में चारों खाने चित्त कर दिया। मिस्टर दयानंद, आपको इस बात से खुश होना चाहिए कि हमारा वजह से, यानी अंग्रेजों का वजह से इंडिया ने प्रोग्रेस किया है, तरक्की किया है। अगर हम ना होता तो तुम लोगों का कुछ भी भला नहीं होने को सकता था, समझा? ये आपका झूठा अभिमान है। What? जिसे आप उन्नति या प्रगति मानते हैं वो तो सिर्फ दिखावा है। धर्म भ्रष्ट लोगों ने कभी किसी व्यक्ति का या किसी देश का कल्याण नहीं किया। धर्म भ्रष्ट? What do you mean by this धर्म भ्रष्ट? अपने पास जो है उससे संतुष्ट रहना। हा? दूसरों की भूमि पर छल कपट से अधिकार न करना ही धर्म है, मगर इसके विपरीत आचरण करना धर्म भ्रष्ट होना कहलाता है। लेकिन आपका देश ज्यादा खुशहाल होता है इस वक्त। बिल्कुल नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। यहाँ के कुछ निवासियों की ऊपरी खुशहाली को आप देश भर की खुशहाली मानते हैं। ओहो, यू इंडियन, अगर ये देश हमारा हुकूमत में खुशहाल नहीं होने को सकता है तो फिर किसका हुकूमत में खुशहाल होने को सकता है, बोलो? अपने यानी स्वदेशी राज में खुशहाल होगा। अपना राज कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह विदेशी राज के मुकाबले भला ही है। स्वामी
स्वामी दयानंद सरस्वती स्वाधीनता प्राप्त करने के साथ साथ देश में सामाजिक क्रांति लाने का प्रयास करते रहे। 30 अक्टूबर 1883 को आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत हो गया, किंतु उनके आदर्श आज भी जीवित हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख भगवान दास वधवा, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, भाग लेने वाले कलाकार राम मैनी, मंजू मैनी, नीरज शर्मा, सुरेंद्र कौशिक, राधा कृष्ण दत्ता, राजेश आहूजा और यमन कौशिक, ध्वनियांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग वंदना निगम और रंजना पराशर, निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा।